दोस्तों आज मैं और ये मनदीप आपको दिखाएंगे ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल, जहाँ सारी बसें रुक के जाती हैं। मान लीजिए कि ब्रैम्पटन का बस स्टैंड है ये, और आपको दिखाएंगे कितनी भीड़ होती है इस टाइम पे, रश आवर है ये शाम को, जब बच्चे काम से वापस आ रहे होते हैं और ठंड में इतनी मुश्किल होती है। मुझे भी टाइम हो गया क्योंकि मेरा घर से काम चल रहा है, और जल्दी से आपको वहाँ लेके जाएंगे और आपको बस का सफ़र भी कराएंगे ब्रैम्पटन में, कनाडा में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं ब्रैम्पटन गेटवे टर्मिनल। ये है मनदीप। मनदीप को बस लिए हुए कितनी देर हो गई है? कितनी देर हो गई भाई? साल हो गया जब भी गड्डी लगी। और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कितनी भीड़ होती है इस टाइम पे। रश आवर है, शाम का टाइम हो चुका है, 5:30 बज चुके हैं। कितनी भीड़ होती है अभी लाइन दिखाएंगे आपको। तो अब मैं और मनदीप बस के अंदर जाने वाले हैं। आपको देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। मनदीप कैसा लग रहा है 1 साल बाद बस के अंदर जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों हम लास्ट 2 बंदे थे जो बस पे चढ़े थे, और बस की कोविड के कारण रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, उसके कारण बस ड्राइवर ने अलाउ नहीं किया, एक ही बंदे की जगह थी और हम दोनों उतर गए। अगर बस पे चढ़ना हो तो आप कैश भी दे सकते हैं, कैश के अलावा आपके पास प्रेस्टो ऐप होनी चाहिए। मनदीप ने कैश दे दिया था, उसको रिसीट मिल चुकी थी, और अगर आपने 2 घंटे के लिए वैलिड है तो अब हम फ्रंट ऑफ द लाइन लगे हैं, अगली बस की वेट कर रहे हैं। हमें कितनी देर होगी वेट करते हुए? 45 मिनट्स। तो अभी हम आपको बस का सिस्टम तो ज़रूर दिखाएंगे। आज देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है पीछे, और टाइमिंग्स देखनी हो तो अब ट्रांजिट ऐप होती है यहाँ, उस पर टाइमिंग्स आ जाती है, बस कहाँ पहुँची है, कहाँ कितनी देर तक स्टॉप से चलेगी, वो भी आ जाता है। तो बस का तो लाइव लोकेशन भी आ जाता है, लाइव लोकेशन भी आ जाती है। और कोविड के कारण इतनी भीड़ है, नॉर्मली लाइन नहीं होती थी पहले, कोविड के बाद लगना शुरू हो गई थी। पहले भीड़ लग जाती थी एक ही जगह दरवाजे के पास बस के, और बहुत मुश्किल आती थी, आती है स्टूडेंट्स को जब ऐसे माहौल में निकलना पड़े जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस लगे। इतना टाइम लगता है, उससे भी आधा घंटा 1 घंटा पहले चलना पड़ता है जहाँ पर जाना होता है, बिल्कुल वहाँ पर टाइम पर पहुँचने के लिए। पंजाबी बोल रहा है। अभी हम बस की वेट कर रहे हैं, ठंड बड़ी है, मुझे जैकेट डालकर आनी चाहिए थी। आपको दिखाएंगे बस, जरूर दिखाएंगे बस का सिस्टम यहाँ का। कैसा लग रहा है बस में आके? यार बढ़िया लग रहा है बस जाके। मैं हर बार यार पिछली सीट पे बैठना होना, जब भी इतने होना ना, अब मैं आ रही सीट तो वहां ना मिनट पे आके बैठ जाना। तो दोस्तों हम अभी शेरिडन कॉलेज उतरे थे, आपको दिखाया कितनी भीड़ है, और वो बस में जो ये सारे लोग ये पिछली बस में बैठ ही नहीं पाए थे क्योंकि इतनी भीड़ थी, और बस भर जाती है।
तो बहुत मुश्किल होती है। आई थिंक तीसरी बस है, इतने लोग थे यहाँ पर, अभी तो भीड़ घट लगन दी है अजे, पर पहला बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपको हमने दिखाया कि जैसे वो आप स्टॉप बटन लगा होता है उसको दबा सकते हैं स्टॉप बटन को, तो वो अगले स्टॉप पर बस रुक जाती है, बस ड्राइवर रोक देता है। मेरे तो कई बार इदा भी होता रहा, काम तो लग गया, मैं थकिया होना सी, तो थके होने करके तो मैं बस में सो जाना रहा, सोन करके मैं स्टॉप सही नहीं सी नपता, तो मैं अपना स्टॉप मिस करके अगे चल जाता रहा। ये भी बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आ, तो बस से आप सोना भी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आती है ये वाली, खास करके बस में सोने वाली। मेरे ख्याल से कॉलेज, घर और काम के बाद बस में हम सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत बार मेरे से भी बस स्टॉप्स मिस हुए हैं। तो ये बस दोस्तों जो मेरे पीछे है, जूम की बस कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी, आप देख सकते हैं कितनी लंबी बस है ये, तो इसमें काफ़ी लोग बैठ सकते हैं, और ये बस जाती भी तेज है, और इसके स्टॉप्स भी में भी काफ़ी डिस्टेंस होता है, कम स्टॉप्स होते हैं इसके, कम स्टॉप्स होते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि नॉर्मली इंडिया में क्या होता था कि अगर आपने किसी बस पे कहीं जाना हो तो वहाँ डिफ्रेंशिएट कैसे होता था कि आपने किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो वो बोलते थे कि समझ लो जलंधर जाना है, कि जलंधर हाँ। वाली बस है। यहाँ हर बस डायरेक्शन के हिसाब से डिफ्रेंशिएट की जाती है कि अगर आपकी डेस्टिनेशन जो नॉर्थ में है तो आप वहाँ नॉर्थ जाने वाली बस लेंगे, अगर उस तरफ है तो तुहानू वाली बस लेनी पड़ेगी, नहीं तो तुहानू देखना पड़ेगा कि तुहाडे घर वाल कीड़ी बस जाएगी। तो हर बस नंबर के आगे डायरेक्शन लिखी होगी, अगर 4 नॉर्थ लिखा है तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगी, और उस डायरेक्शन में जौन सी भी डेस्टिनेशन होगी आप वहाँ उतर सकेंगे। अगर 4 साउथ होगी तो आप वो बस साउथ की डायरेक्शन में जाएंगी। तो ये भी अब जब नए नए आएंगे बहुत कंफ्यूज हो जाता है बंदा, कि मेरे को एक बार लगा कि मैंने 4 नंबर बस लेनी है, तो मैं 4 नंबर में बैठ गया, मैंने डायरेक्शन नहीं देखी थी और मैं गलत डायरेक्शन में चले गया, तो ये भी बहुत मुश्किल आती है। मैं मेरे साथ भी बहुत बार ये हर एक स्टूडेंट के साथ हुआ था। तो दोस्तों यहाँ हर बस स्टॉप पे, जूम के बस स्टॉप पे, जो बड़े स्टॉप वाले बस वाले स्टॉप होते हैं, उनमें ऐसा एक हीटर का बटन ज़रूर लगा होता है कि ठंड में जब बहुत ठंड हो जाए तो आप हीटर का बटन दबा सकते हैं, और ऊपर हीटर लगे होते हैं। कभी कभार चलते नहीं हैं, कभी कभार चल भी जाते हैं, कभी कभी चलते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में कुछ चलते देखे हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं चल रहे होते हैं या फिर टाइम बहुत लेते हैं चलने के लिए। तो ये हीटर के स्टॉप बटन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं उनको ठंड ना लगे, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है कनाडा में, -30 तक भी चले जाता है, मैंने -30 एक्सपीरियंस किया हुआ। आज ही बहुत ठंड है यार, ये ठंड इसलिए लग रही है क्योंकि एक साल से अपनी गाड़ी से उतरे नहीं है। अगर आपने इनका गाड़ी वाला व्लॉग नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, इससे मैं यहाँ अटैच कर दूंगा, यहाँ या यहाँ कहाँ, यहाँ अवॉइड अवॉइड। अभी मेरे साथ यहाँ अर्शनूर है, अर्शनूर भी एक डेली कम्यूटर है, बसेस में ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट रह चुके हैं। अर्शनूर आप कहाँ काम करते हैं? मैं गैस स्टेशन पे काम करता हूँ, हस्की गैस स्टेशन। हस्की गैस स्टेशन पे काम करते हैं, और कितने दिन काम होता है आपका? मेरा 2 दिन काम होता है। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपने क्या ये एक्सपेक्ट किया था, जितनी मेहनत लगती है बसेस में ट्रैवल करने में, काम पे जाने में, सारा कुछ मैनेज करने में? देखो इफ यू वांट समथिंग इन लाइफ तो स्ट्रगल तो देखना पड़ेगा, तो आज स्ट्रगल ही, मैं तो स्ट्रगल का हिस्सा ही मानता हूं, तो वो तो देखना ही पैना, चाहे 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाना पैदा, वो तो बसों का शेड्यूल तो भी वधिया है, इंडिया तो काफ़ी वधिया है, काफ़ी अच्छा। आप ट्रैक भी कर सकते हैं बस, हाँ। किस टाइम पे आ रही है, किस टाइम पर स्टॉप छोड़ेगी, लाइव देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि अर्शनूर ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो टाइम है ना ट्रैवल वाला, ये कोई देखता नहीं है आपका, और इतनी मेहनत लगती है, क्योंकि मैं इस टाइम से गुजर चुका हूँ, एंड मैं घर से काम कर रहा हूँ, मेरे को 1 साल हो गया है, उससे पहले मैं भी 3-4 साल बसेस में ट्रैवल किया हूँ, और एकदम वो सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। ठंड में आप हेडफोन्स लगा के आप बस चलते थे घर को, कोई बुलाने वाला नहीं होता है, बस में भी नहीं कोई होता है, बस घर से काम, काम से घर और कॉलेज, यही 3 जगहें होती थी, 3-4, बहुत मेहनत होती है। अर्शनूर आपका बहुत बहुत थैंक यू, और अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे उन व्यूअर्स को जो अभी कनाडा आने बाने के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन सा मैसेज देना चाहेंगे आप? बस काम करने से डरो ना, कि काम होएगा, काम तो करना पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा, अगर कुछ देखना, कुछ करना लाइफ, अपनी डिग्निटी थोड़ी नीचे रखना, क्योंकि काम ऐसा भी करना पड़ सकता है जो आपने इंडिया में कभी करा ना हो, जैसे अब इंडिया में हमने तो कोई काम करा नहीं, यहाँ पर आके गार्बेज भी बिन भी उठाने पड़ते हैं, तो ये डिग्निटी अपनी डाउन करके आए तो अच्छा होता है, यहाँ पर ईगो से कुछ नहीं होगा। बहुत सही बात कही है,
अर्शनूर ने, हर तरह का काम एक्सेप्ट करना चाहिए। और थैंक यू अर्शनूर अपना टाइम देने के लिए, एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। थैंक यू ब्रो। पवनीत अमेज़न में काम करते हैं, तो रोज़ बसेस में ट्रैवल करते हैं, कम्यूट करते हैं पवनीत से जानेंगे। पवनीत आप बताइए कि आपको कोविड के दौरान बसेस में कितना फ़र्क पड़ा है, कोविड से पहले और कोविड के बाद कितनी वेट करनी पड़ती है, या फिर कितना टाइम लगता है आपको घर से काम पे जाने में? हाँ जी भाई, काफ़ी फर्क पै गया अगे नों। पहले जिदा कि बसेस की सर्विस वधिया हुंदी सी, हुण लाइक कई बार वेट भी करना पैंदा, जिदा हुण ठंड आ रही है उहदे नाल आपां नूं कई बार 15-15 मिनट भी वेट करना पै जांदा, पर आई थिंक कि हुण ठीक आ, पहले नालों ठीक आ, पहले ज़्यादा खराब था। पहले ज़्यादा ख़राब था, पिछले साल बहुत ख़राब था। तो मैं आपको बता दूँ, रेड बसेज जो जूम बसेज होती हैं उनकी सर्विस रश टाइम पे 7.5 मिनट्स तक एवरी बस आ जाती है ना, और जो दूसरी बसेज होती है वो भी 10-12 मिनट तक आ जाती है। लेकिन पवनी ने बताया कि उनको 15-15 मिनट तक वेट करनी पड़ती है, तो काफ़ी कम्यूट का टाइम बढ़ जाता है। वो भी एक स्टूडेंट है, तो आपको ये दिखाना चाहते थे कि बहुत मेहनत होती है, बहुत मेहनत लगती है खासकर ठंड में। आई थिंक पवनीत की बस ये आ गई है, पवनीत को करेंगे बाय। आपकी बहुत अच्छी शिफ्ट निकले, और थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक मैन। बस का सफ़र तो हमने इनको दिखा दिया है, अब हम इनको एक और बारी बस का सफ़र दिखाएं, एक और बारी दिखाते हैं। तो दोस्तों, कई पुरानी बसेस में ऐसे वायर लगी होती है, इसको खींचने पर बस का स्टॉप रिक्वेस्ट हो जाता है, और कईयों नई बसेस में बटन लगा होता है, तो ये भी फ़र्क होता है कई बसेस में। जटों ही फिर टर्मिनल पहुंच गए हैं, तो अजय भी ओनियो ही लाइन लगी हुई है। अं तो स्टूडेंट लाइफ तो निकल गए हैं, पर हूँ पता लगता वा कि स्टूडेंटा की किन्नी मेहनत होंगी है। हूँ रियलाइज कर रहा मैं कि मैं भी किन्नी मेहनत की। तो दोस्तों, आप अभी भी देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, 8 बज चुके हैं। ये 4 नंबर बस पे तो हमने इतना सफ़र किया है, जिन्होंने भी 4 नंबर बस पे सफ़र किया है प्लीज़ नीचे कमेंट में करके बताओ कि कितना सफ़र किया है। और 4 नंबर से भी जुम चल पी दो। 4 नंबर में पहले बड़ी बस नहीं आती थी। चला जा, 104 बाय बाय कर दे चंगा जट्टो।